शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अब तक आपने देखा कि कावेरी अपनी बकरी की बलि दिए जाने का विरोध करती है और बदले में खुद की बलि की बात करती है। इधर साईं को कावेरी के साथ होते हुए अन्याय का आभास होता है और उधर बुआ और सुंदर गांव वालों से बच के भागने का प्रयास करते हैं। तभी साईं वहां पहुंचते हैं। शमशान बनेगी शिरडी, शमशान। अब आगे चिताओं के लिए लकड़ियां कम पड़ेगी, चंडालों को बाहर से बुलाना पड़ेगा। जो जो यहाँ उपस्थित है उन सबके घरों में मातम मचेगा, मातम। रुको, किसी को कुछ नहीं होगा। चमत्कारों के तर्क नहीं होते और बुआ जी ने कहा था कि बलि देने से गुप्त धन मिलेगा। यही तो मैं जानना चाहता हूं कि बलि और गुप्त धन का क्या संबंध है। अरे बुआ जी, आप इसे जवाब क्यों नहीं देती? ताकि ये जान छोड़े हमारी। ए! हमारे काम में अपनी नाक मत घुसा। सब जानते हैं बलि देने से भगवान खुश होते हैं। लोग जानते नहीं, ऐसा मानते हैं, क्योंकि आपके पास वो लोग आते हैं जो हताश हो या फिर उनके लालच ने उन्हें कमजोर कर दिया हो। फिर आप जैसे लोग अपने फायदे के लिए उन्हें इन सब बातों का लालच देते हैं। ईश्वर क्या कोई क्रूर व्यापारी है जो अपनी ही संतान की बलि से प्रसन्न होकर बलि देने वाली संतान को पुरस्कार देगा? क्या ईश्वर इतना स्वार्थी है? और ये जीवन ईश्वर ने हमें इसलिए तो नहीं दिया? ये तो फंसा देगा, भागने भी नहीं देगा। बुआ जी ने मुझे भेजे,
आपके ऊपर एक मंत्र फूकने ही ले जिससे आपके ऊपर संकट ना आए। लेकिन जब मैं मंत्र फूक रहा था मुझे पता चला कि आपने वो मिठाई खाई ही नहीं है। हाँ मुझे भी खानी थी। और क्या, बुआ जी ने कहा था ना कि सब लोग खा लेना, कहा था कि नहीं? हाँ अब क्या, ऐसे में बुआ जी की शक्तियाँ काम नहीं करेंगी। मुझे जाके बताना होगा बुआ जी को ताकि वो आज रात ही कुछ कर सके। हमारे इष्ट देव को तूने अपमानित किया है। ओम रीम क्लीम ओम रीम क्लीम इष्ट देवाय नमः। 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 संकट, इस आदमी ने मेरे इष्ट देवता को अपमानित करके शिरडी के लिए घोर संकट को आमंत्रित किया है। हेलोंता जी, फोड़ो ये नारियल। मैंने तो कोई मंत्र भी नहीं पढ़ा। नहीं उठने वाले, उन्होंने वो मिठाई जो खाई थी उसके अंदर नींद की गोली थी। वो मिठाई वश में करने के लिए नहीं, तुम सबको गहरी नींद सुलाने के लिए थी। तुम फंस गए ना हमारे जाल में। लोगों की आंखों में धूल झोंकने के लिए ये ऐसी ही चालाकियां करते हैं। ये देखिए, हल्दी और चूने को अगर पानी में मिला दो तो ऐसा लगता है जैसे खून है। देखो,
इनके कपड़ों में फल वगैरह छुपाने की जगह है ताकि ये जब चाहें उन्हें सबके सामने प्रकट कर सकें। और लोगों को लगता है कि इन्हें कोई सिद्धि प्राप्त है। अगर कोई चाहे तो सुंदर के कपड़ों की तलाशी लेके देख सकता है। ये देखो, ये सब था इसके पास। जो जितना स्वार्थी, जितना लालची, ये लोग उसका उतना ही ज्यादा फायदा उठाते हैं। इसका मतलब तुमने गुप्त धन के बारे में मुझसे झूठ बोला था। कुलकर्णी सरकार से इतना अन्न और सब्जियां पाई हैं इन ढोंगियों ने कि इनकी तो मरम्मत करनी ही पड़ेगी। मारो, रुको। इतना आक्रोश क्यों? क्योंकि इन लोगों ने हमारे विश्वास के साथ खेला है। लेकिन आप लोगों ने इन पर विश्वास किया ही क्यों? क्योंकि इन्होंने आश्वासन दिया था कि हमारी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। मनोकामनाएं तो सिर्फ ईश्वर पूरी कर सकता है। क्या यहां कोई भी ऐसा है जिसके जीवन में कोई परेशानी ना हो? बोलिए, बताइए मुझे, क्या कोई ऐसा है जो पूरी तरह सुखी हो? है कोई ऐसा? ईश्वर अपने बच्चों के चरित्र, उनकी आस्था, उनके संकल्पों की परीक्षा लेता है इन परेशानियों के माध्यम से। हां, ये लोग, इन्होंने ठगा है आपको, लेकिन ये लोग आपके अपने लालच, आपके अपने डर, आपकी अपनी महत्वाकांक्षा के प्रतीक है और कुछ नहीं। इन टोने टोटकों से आपकी परेशानियां दूर हो जाएंगी, यही अंधविश्वास है। लेकिन विश्वास, विश्वास उस दिए की तरह है जो आंधियों में भी बुझता नहीं है। विश्वास कहता है कि चाहे हमारी इच्छाएं पूरी हो या ना हो, हमारी समस्याएं हल हो या ना हो, जीवन का हर एहसास, हर अनुभव हमें ईश्वर की ओर ले जा रहा है। वो रहा तीसरा, उसी ने कहा था बलि के लिए, पकड़ो। मुझे छोड़ दो, मैंने कुछ नहीं किया। ये लोग तो मेरे रिश्तेदार भी नहीं है और मैं तो एक बच्चा हूँ। इन लोगों ने अपहरण कर लिया मेरा, मुझे मेरे गांव से उठा लिया और इतना मरा कि मैं इनके साथ शामिल होने के लिए राजी हो गया। ये लोग बच्चे भी चोरी करते हैं। जो बोया सो पाया, जिसे तुमने शरण दी, जिसे पाला, आज वो अपनी जान बचाने के लिए तुम्हारी ही बलि देना चाहता है। हम जैसा दूसरों के साथ करते हैं वैसा ही हमारे साथ भी होता है। मुझे खाने के लिए नहीं देते थे, पानी पीने नहीं देते थे ये लोग मुझे। सारा काम मुझे सही करवाते थे और अगर मैं विरोध करता था तो ये लोग। पूरे जीवन में अगर एक नेक काम किया था मैंने तो सड़क पर पड़े इस बच्चे को अपना लिया था। बाकी जीवन में कभी भी मैंने स्वार्थ के सिवा कोई काम नहीं किया।
इस बच्चे को माँ का प्यार दिया मैंने, एक माँ की तरह पाला। पाला, लेकिन माँ की तरह नहीं, क्योंकि माँ अपने बच्चों को कभी भी बुरे संस्कार नहीं दे सकती। तुमने इसे अपने अपराधों में शामिल किया, इसका फायदा उठाया। मुझे छोड़ दो। ये तो अप्पा जी का खंजर है, मतलब इसने वहां चोरी की। मारो इसे। रुक जाओ। बुआ, बुआ मुझे माफ कर दीजिए। बुआ मैं डर गया था। कोई बात नहीं बेटा, जिसे मेरी जरूरत होती है मैं उसकी मदद करता हूं। जो सजा देनी है वो मुझे दे दीजिए साईं। इन दोनों को छोड़ दीजिए, इनका कोई दोष नहीं। इन्होंने जो कुछ भी किया वो मेरे कहने पे किया है, मैंने ही इन्हें भटकाया है। साईं, हम दोनों को ही नहीं, बुआ को भी बचा लीजिए। हम वादा करते हैं, आज से हम किसी को भी नहीं ठगेंगे। झूठे हैं ये, मारो इनको। रुको। आप लोग इन्हें मारना चाहते हैं ना? ये लो, मैं देता हूं तुम्हें पत्थर, लेकिन पहला पत्थर वो मारेगा जिसने कोई पाप किया हो। जो झूठ बोलता हो, है कोई जिसने किसी को दुख पहुंचाया हो, धोखा दिया हो, या जिसके मन में लालच हो, जो अपने स्वार्थ के लिए काम करता हो, क्या ऐसा कोई नहीं है यहां? कोई तो होगा। मैं जानता था किसी दूसरे से अपराध कबूल कराना तो हम सब जानते हैं, लेकिन जब अपने अपराध दूसरों के सामने रखने की बारी आती है तो हम हिम्मत नहीं कर पाते। हम हमेशा दूसरों के सामने खुद को पवित्र, निर्दोष, निष्कलंक साबित करना चाहते हैं। धन्यवाद साईं, आपने मुझे और मेरे बच्चों को बचा लिया। बचपन से सिर्फ दुख ही दुख मिला मुझे, कभी किसी ने प्यार किया ही नहीं, तो मैं भी सुंदर को और पुंत्र को प्यार सिखा ही नहीं पाई। उनको सिर्फ इतना सिखा पाई कि अपने स्वार्थ के लिए लोगों का फायदा कैसे उठाया जाए। बस हमें माफ कर दीजिए साईं, हम ये बुरा रास्ता हमेशा हमेशा के लिए छोड़ देंगे। हमें माफ कर दीजिए साईं। क्षमा से बड़ा कोई धर्म नहीं है, और मैं चाहता हूं कि आप सब लोग भी इन्हें क्षमा कर दें। शिरडी में हम आए थे चोरी करने, लेकिन यहाँ आने के बाद अब ऐसे लग रहा है जैसे तीरथ कर लिया, सारे पाप धुल गए हमारे और साक्षात भगवान के दर्शन भी हो गए। आप सबसे जो कुछ भी लिया था वो सब वापस कर देंगे हम। Thank you.
अंता जी, सरकार को ये सब बता देना चाहिए। हाँ अंता जी, चलिए। हाँ। अच्छा, साईं ने कहा माफ कर दो, तो माफ कर दिया सबने। और मैंने जो सोने के सिक्के खोए हैं, उनका क्या? अगर इन सबको अपना सामान लेने का हक है, तो मुझे भी मेरे सोने के सिक्के चाहिए साईं। लाओ मेरे सोने के सिक्के। बस, बस कर बिंदु, बस। हद होती है लालच की, पागलपन की। शर्म आती है मुझे कि मैं तुम्हारी बातों में आ गया। कितना गिर गया हूं मैं लोगों की नजरों से, कहीं ज्यादा खुद की नजरों में, और वो भी तुम्हारी वजह से। सुनिए, राणो जी, आपकी निशानी, आपकी पाली हुई इस बकरी चंदा को बचाने के लिए कावेरी प्राण देने जा रही थी। क्या आप भी, आपको उसके प्रेम का कोई प्रमाण चाहिए? आपके साथ कावेरी ने जो कुछ भी किया, उसका दंड उसे मिल चुका है। राणो जी, कावेरी को स्वीकार करो, उसके साथ रहो, यही तुम्हारा धर्म है। मेरे साथ। जब तक मैं अपने काम से घर ना लौटूं, तब तक तू आंगन में खड़ी रहेगी। राम कृष्ण हरि, राम कृष्ण हरि। अल्लाह मालिक,